नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, हवा में उछली फिर खाई में गिरी। जम्मू कश्मीर हादसे के वक्त बस में मौजूद शख्स ने बताई आप बीती कांप उठेगी रूह। जम्मू कश्मीर में बड़ा सड़क हादसा हुआ जिसमें एक ऐसे शख्स ने आप बीती बताई है जो बस में मौजूद था। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी जा रही एक बस खाई में गिर गई जिसमें अब तक 21 लोगों की मौत हो गई है जबकि 61 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। इस बीच एक ऐसे शख्स का बयान भी सामने आया है जो हादसे के वक्त बस में मौजूद था। बस में मौजूद यूपी के एक शख्स ललित कुमार ने आप बीती बताई। ललित कुमार ने कहा कि हम कल कुरुक्षेत्र से निकले और शिवखोरी और फिर वैष्णो देवी तीर्थ जा रहे थे। बस में 60 से 70 लोग सवार थे जिनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल थे। मैं बस के गेट पर था, बस खुलते ही मैं गेट के बाहर कूद गया। बस स्पीड में थी कि गियर बदलते वक्त ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर सका और बस खाई में चली गई। 10 से 15 लोग बुरी तरह से फंस गए। जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर राजेंद्र सिंह तारा ने कहा कि यह घटना लगभग दोपहर 12:30 बजे हुई। बस यूपी से आ रही थी और बस हवा में उड़ गई और खाई में चली गई। यह एक मानवीय भूल है। सेना और पुलिस बचाव अभियान चला रही। इसका आज ही चालान किया गया है। 2 यात्री अतिरिक्त थे, यह बस ओवरलोड नहीं थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिखा कि जम्मू के पास अखनूर में एक बस दुर्घटना में लोगों की मौत के बारे में जानकर दुख शब्दों से परे है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ।